कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ यारो, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। एक जो एग्ज़ाम है, ये जब आप इसमें सिलेक्शन पाते हैं तो नॉर्मली सचिवालय में कुछ पोस्ट, आपकी आयोग में, कुछ राजस्व परिषद में, कुछ अन्य जगहों पर मुख्य रूप से पोस्टिंग आपकी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि यह ऐसा पद होता है जो जहाँ से पॉलिसी मेकिंग होती है, जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से इनिशिएट मतलब शुरुआत होती है, वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। सचिवालय का नाम ही आप जानते हैं, कई मामलों में सचिवालय का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। जैसे कोई सचिवालय में फोर्थ क्लास जॉब भी कर रहा है, अगर वहाँ पे एम्प्लॉई है तो बहुत अदब के साथ समाज उसको देखता है कि अरे वो सचिवालय में है। मतलब माना जाता है कि सचिवालय बड़ा पावरफुल है भी, प्रदेश की सारी चीज़ें वहाँ पे। आयोग की बात की जाए तो आयोग भी सेलेक्शन कराता है ऐसे लोगों का जो आगे जॉब करते हैं, प्रदेश चलाते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है उसको प्रीलिम्स और मेंस दो भागों में आप बांट सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास करने के बाद में आप मेंस के एग्ज़ाम में प्रवेश करते हैं, और मेंस के बाद में यहाँ पर कोई और स्टेप नहीं है, डायरेक्ट आपका सेलेक्शन होता है। तो सुनने में, देखने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ सिलेक्शन बहुत आसान है, दो स्टेप का एग्ज़ाम है। वाकई एग्ज़ाम जो पोस्ट है उस हिसाब से ये एग्ज़ाम, मैं भी मान रहा हूँ कि ये छोटा एग्ज़ाम है पोस्ट के मुताबिक। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो आपका 140 क्वेश्चन का जीएस आपसे पूछा जाता है, और 60 क्वेश्चन का एक आपसे हिंदी का पेपर पूछा जाता है। और ये जो हिंदी है ये सामान्य हिंदी है, इसका सिलेबस भी बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जीएस का भी सिलेबस तो डिफाइंड है, लेकिन उतना जीएस में डिफाइन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसके पूछे जाने का क्रम वैसा नहीं है, लेकिन हिंदी में काफ़ी कुछ है। इस एग्ज़ाम में एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप जो 140 क्वेश्चंस का ये जीएस का पेपर देख रहे हैं वो 140 मार्क्स का होता है, और जो हिंदी का देख रहे हैं ये 60 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला कि जीएस और हिंदी की पर क्वेश्चन जो मार्क की वैल्यू है वो मार्क्स की वैल्यू समान होती है, और टोटल ये एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का। 200 क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं और 200 मार्क्स भी आप कह सकते हैं, इक्वल है क्योंकि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। और निगेटिव मार्किंग अब जैसे कि हर एग्ज़ाम में हो रही है तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपको मिलती है, और निगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग का सीधा यहाँ पे 1/3 ही मतलब है, 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। जब मेंस के सिलेबस में आप आते हैं तो मेंस के सिलेबस में कुछ ऐसा ही सिलेबस आपको मिलेगा, क्योंकि जीएस ये सीधा यहाँ पे आ जाता है। जीएस यहाँ पर भी आपसे एमसीक्यूज फॉर्म में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मार्क्स का ये होता है। और हिंदी भी आपकी ये सीधी यहाँ पर चली आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे टॉपिक 5 हो जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन 30 हो जाते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पर 30 क्वेश्चन होने के बावजूद भी 60 होता है। और दो चीज़ें और इसमें ऐड हो जाती हैं, एक है हिंदी का परंपरागत पेपर, और दूसरा है यानी कि हिंदी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होती है, और दूसरा यहाँ पर है आपका निबंध का पेपर। और इसको आप निबंध ही समझें, ऐसे ना लिखें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हिंदी का 100 मार्क्स का ये जो पेपर है ये भी हिंदी में ही लिखना है, और 120 मार्क्स का आपका जो ये पेपर है निबंध का वो निबंध ही लिखना है, क्योंकि सिलेबस में अस्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये हिंदी निबंध है, तो हिंदी में ही लिख के आपको करना होता है। टोटल
टोटल आप इसको करेंगे तो ये 400 मार्क्स का आपका ये पेपर है। ये आपका एक अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो दिमाग में आपके एक जनरल आइडिया ये होना ही चाहिए। कारण उसका ये होता है कि जब तक आप इसको दिमाग में नहीं रखते हैं तब तक आपको ये लगता है कि हम करें क्या, कैसे करें, ये समझ में नहीं आता है। तो इतना तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब थोड़ी सी बात अगर और डिटेल में करें, ये जो आपका पेपर है इस पेपर को पास करके मेंस में आपको जाना है, तो यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे जीएस और हिंदी दोनों को मिलाकर कट ऑफ बनाया जा रहा है, तो जीएस में 140 क्वेश्चन में कितना हमारा टारगेट होना चाहिए और हिंदी के 60 क्वेश्चन में हमारा कितना टारगेट होना चाहिए। इसको हम मार्क्स भी कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन और मार्क्स एक नंबर के ही हैं तो सेम है। तो यहाँ पर पिछले दिनों के कटऑफ्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जो देखे हैं, तो एक अनुभव है, एक अंदाजा है कि 130 मार्क्स के ऊपर अगर आप चले जाते हैं, आप कर ले जाते हैं, तो आपका ये सेफ कंडीशन में स्कोर हो जाता है और आप इसको पास कर जाते हैं। जैसा कि पेपर आज पिछले दिनों में पूछा गया है, पिछले वर्षों में पूछा गया है, तो उसमें ही आप इतना करके पास हो जाते हैं। अब अगर 130 लाना है तो हमको टारगेट कम से कम 135 प्लस का रखना होगा। बहुत बड़ा टारगेट 150 प्लस मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन 135 प्लस का रखना होगा। और 135 प्लस के टारगेट में मैं मान के चल रहा हूँ कि 85 क्वेश्चन का टारगेट आप जीएस में रखिए, 85 प्लस कर लीजिए इसको, और लगभग 55 क्वेश्चन का टारगेट आप यहाँ पर रखिए कि 55 प्लस हमको हिंदी में करना है। हिंदी में आ भी जाता है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। अभी मैं आपको जब बताऊंगा कि कैसे इसमें आता है तो आपको लगेगा भी हाँ कि आ सकता है, इतना स्कोर हम कर सकते हैं। दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 140 मार्क्स आ गए लगभग, लगभग क्या, कंप्लीट 140 मार्क्स आए। तो 140 मार्क्स जो ये आपके आ रहे हैं ये पास होने भर के काफ़ी हैं। अगर इनको आप कहें कि इतने में आप पास हो जाएंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल पास हो जाएंगे, ये 140 में तो हर हाल में पास हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ 129, 128, 126, 27, 122, 125 इसी के आसपास आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इतना टारगेट आपको लेके चलना है, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए जिससे कि आप सेफ पोजीशन में पहुंच जाए। और यहाँ पर जो स्थिति है यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको एक आइडिया मैं दे दे रहा हूँ, बाकी इसकी बातें तो थोड़ी सी लंबी हैं, बाद में करने योग्य हैं। यहाँ 120 में टारगेट आपका जो होना चाहिए वो अगर आपसे टफ भी पेपर पूछा जाता है या सरल मेंस के पेपर में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, नहीं तो ऐसा ही रहता है, तो यहाँ पर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 75 प्लस क्वेश्चन का ये टारगेट हो। और यहाँ पर टू मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो टारगेट है आपका यहाँ पर भी लगभग 55 प्लस का होना चाहिए। 28-29 सवाल आपको यहाँ पर सही करने पड़ेंगे हर हाल में, और जो डिस्क्रिप्टिव हिंदी है आरओ मेंस की 100 मार्क्स की, तो इन 100 मार्क्स के अंतर्गत आपका टारगेट यहाँ पर भी 70% होना चाहिए कि 70% मार्क्स आपके आ जाए। 70 प्लस का ही टारगेट रखिए। और निबंध में भी आप 3 एस्से आपसे लिखने को पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के, 40-40 मार्क्स के एक एस्से होते हैं, तो सब में टारगेट रखिए कि 30-30 मार्क्स हमको लाने हैं, कुछ में कम भी हो जाएगा तो 85 मार्क्स का यहाँ भी टारगेट आपको रखना चाहिए। और इसको आप ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये 8, 5, 13, 7, 20 और 28 285 का ये आ रहा है। यहाँ टारगेट भी आपका 290 प्लस ही आप रखिए। निगेटिव मार्किंग इन दो पेपर्स में होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, इनके बावजूद भी इतना टारगेट आप रखिए, 290 प्लस का टारगेट, 95 प्लस का टारगेट, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी गोइंग भी है और अच्छा टारगेट भी है पास होने के लिए, आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। तो एक तो ये जनरल आइडिया रहा जो प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम को तैयार करते समय आपको दिमाग में रखना ही है, क्योंकि आपको जब तक लक्ष्य नहीं पता होता है, अपना टारगेट नहीं पता होता है, तब तक आप ऐसे दिग्भ्रमित होते रहते हैं, आप वहां तक पहुंचने का मार्ग नहीं खोज पाते हैं।
अब इसके आगे की जो आज बात हम करने जा रहे हैं, जो हमारा कोर्स है पूरा, जो हमने प्लान किया है मकसद कोर्स, तो मकसद कोर्स में आगे हम प्रिलिम्स की बात करने जा रहे हैं कि प्रिलिम्स को कैसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मकसद में कैसे हमारा मकसद पूरा होगा। कभी भी जब आप कोई भी एग्जाम देने चले तो उसकी पहली शर्त यही मेरे हिसाब से होती है कि उसका सिलेबस यानी कि उसका जो पाठ्यक्रम है उसको आप बहुत सही से देखें, और देखें ही ना, उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें, उसको बिल्कुल याद कर लें, उसको इस तरीके से आप कर लें कि आपको जहां भी कुछ दिखे तो आपको याद आ जाए कि हमारे सिलेबस में ये था, तो उसको आप उससे कहीं ना कहीं जोड़कर प्रश्न बनाने की कला आप में आ जानी चाहिए। कि अगर पेपर में आपने पढ़ा कि कुछ चर्चा में है कोई मिसाइल, तो आपको याद आना चाहिए कि हमें विज्ञान प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर यहाँ से पूछा जा सकता है। इतिहास में कुछ आपने पढ़ा, भूगोल में आपने कुछ पढ़ा, तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, जीएस का 140 मार्क्स का सिलेबस इन्होंने, जैसा कि हमने बताया, ये दिया हुआ है, और 60 मार्क्स का हिंदी का सिलेबस इन्होंने दिया है। ये जो सिलेबस देते हैं इसको बिल्कुल ये टू द पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं करते हैं। तो अगर इसको हम ओपन करेंगे, डिफाइन करेंगे, यहाँ पर 10 टॉपिक आपको मिलेंगे, और उसमें जैसे इन्होंने विज्ञान से शुरू किया है, और अगर हम भी विज्ञान से ही शुरू कर दें इसको, तो विज्ञान जब आप उठाते हैं विज्ञान का सिलेबस, तो विज्ञान में यहाँ पर तीन तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तीन मतलब विज्ञान को आप तोड़ के पढ़ें तो तीन प्रकार के, तीन भागों में आप इसको बांट सकते हैं, आप सीधा ऐसे कहिए। और वो तीन भाग हैं विज्ञान में, भौतिक, रसायन, और तीसरा आपका हो जाएगा जीव। अब मैं इसको तोड़कर क्यों आपको दिखा रहा हूं, ये तीनों विज्ञान है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसको तोड़ने का केवल एक मकसद है, और वो ये है कि जब आप इसको तोड़ ले रहे हैं तो आपको हर एक सेशन की इम्पोर्टेंस पता चल जा रही है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब तीनों में आपसे अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी है, उससे कम इम्पोर्टेंस इसकी है, और सबसे कम इम्पोर्टेंस इसकी है। स्टार में अगर इसको हम व्यक्त करें तो यहाँ पर जितना मैं ये, जैसे मान लीजिए कि हमने ये है, अब इसको स्टार में अगर व्यक्त किया जाए तो मैं इसको अगर दूंगा 3 स्टार, इसको मैं अगर दूंगा 3 स्टार, तो इसको मैं रसायन को दूं, भौतिक को दूंगा 2 स्टार, और रसायन को दूंगा मैं 1 स्टार, यानी कि इस तरीके की वैल्यू है। तो एग्जाम पास करने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये होता है कि आप एक पैटर्न देख लें, एक रोड मैप आप बना लें कि कैसा पेपर आ रहा है लगातार पिछले वर्षों में, और उसी पैटर्न को फॉलो करें, कम पढ़ के भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप केवल किताबें पढ़ पढ़ के पूरा रखते चले जाएंगे, दिमाग में अपने जमा करते चले जाएंगे, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा परत दर परत जमा होती है तो वो कचड़े का रूप ले लेती है, एक ढेर लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो ढेर आप ना लगाएं। अगर जीव विज्ञान से हर बार ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और जीव विज्ञान में भी मैं बताऊंगा कि कहाँ से, जैसे जहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात आती है, रोगों की बात आती है, विटामिन की बात आती है, जहाँ पर शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ उन चीज़ों को अगर पढ़ लेते हैं आप, तो वहाँ से कास्ट बेनिफिट आपका ज़्यादा रहता है। रसायन विज्ञान में जो प्रश्न आते हैं वो अप्लाइड जो एप्लीकेशन है रसायन विज्ञान का, वहाँ से आते हैं, और यही चीज़ यहाँ पर भी, एप्लीकेशन ही सब कहीं पूछा जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को आप पढ़िए। आपको यहाँ पे फंडामेंटल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जो इंटर हाई स्कूल में आपने पढ़ा है वो ठीक है, जीएस कांबर का ठीक है हाई स्कूल तक का, लेकिन इंटर या इंटर के बाद जब आप पढ़ते हैं तो सिद्धांत पढ़ने लगते हैं। अब दोलन का सिद्धांत वहाँ पे सिद्ध प्रूफ करने को यहाँ पे कभी नहीं आएगा, होता क्या है वो उतना समझ के आप छोड़ दीजिए। प्रकाश अपवर्तनांक निकालने के लिए यहाँ नहीं पूछा जाएगा, होता क्या है वो बस आप उसको उतना पढ़ के छोड़ दीजिए। फोकस क्या होता है, लेंस क्या होता है ना, आंखों के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आंख आपसे ऑपरेशन करने थोड़ी कहा जाएगा, आप उसके बारे में पढ़ के छोड़ दीजिए। तो ये चीजें इस तरीके से आप बांटिए। दूसरा जैसे सेगमेंट है भारत का इतिहास, अब भारत का इतिहास जो है इन्होंने लिख दिया,
अब इसको आप तोड़ेंगे तो इसको भी आप मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं, या तीन में तो आप सीधे बांट लीजिए, और तीन भागों में जब आप इसको बांटेंगे तो एक आपका हो जाएगा प्राचीन, दूसरा आपका हो जाएगा मध्यकालीन, अब यहाँ पर भी वही चीज़ हम करेंगे, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक, स्वतंत्रता संघर्ष भी आप इसी में जोड़ लीजिए। और अगर आप स्वतंत्रता संघर्ष इसमें जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आगे इन्होंने ये दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आप आधुनिक में जोड़ लीजिए, और ये कि संस्कृति ये दे रहे हैं, है ना, संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या संस्कृति जो भी ये बात कर रहे हैं इसको आपको वहीं से कवर कर लेना होगा, और अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो मान लीजिए कि संस्कृति आपने यहां पे कवर की, तो कैसे कवर करेंगे, जब आप मध्यकालीन पढ़ रहे होंगे तो मध्यकालीन में जो भी आप चाहे दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, चाहे आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप गुप्त पढ़ रहे हैं उसमें, चाहे आप शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके पास ये स्कोप रहेगा हर जगह कि उसका जितना भी संस्कृति वाला पोर्शन है, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उन सांस्कृतिक विशेषताओं को आप तैयार करते चलिए साथ साथ। अगर आप उन सांस्कृतिक विशेषताओं को तैयार करते चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको अलग से मोटी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम अलग अलग से किताबें पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो आपका वो बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जब जैसे अलग से संस्कृति की किताब पढ़ते हैं तो एक मोटी किताब होती है, चाहे आप स्पेक्ट्रम उठाएंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा संस्कृति आपको इतनी ज्यादा पढ़नी है, और सवाल आएगा कहीं एक या दो, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इस मोटी किताब से बचने के लिए आपको इसी के साथ पढ़ना है, विज्ञान आपको पढ़ना है तो विज्ञान आप सारा जो अप्लाइड पोर्शन है उसको खोजिए, और उनको खोज के अपना करते चलिए, साथ साथ में पढ़ते चलिए, अलग से कोई यहां पे वो नहीं करना है। इतिहास में इन मोटी किताबों से आपको बचना है, साइंस में आपका कम नोट्स में भी काम चल सकता है, इतिहास में भी वही चीज आप कर सकते हैं अगर आपने पढ़ना सीख लिया। जैसे दिल्ली सल्तनत की संस्कृति यानी कि उसका प्रशासन कैसा था, उस समय जितने भी भवन बने उनकी शैली कैसी थी, मंदिर मस्जिद जब भी जो निर्मित हुआ है उनकी शैली क्या थी, भवनों का क्या विशेष महत्व था, मतलब विशेषता उनकी क्या थी, ये सब आप करते चलेंगे तो ये भारत के इतिहास के साथ ये तैयार होता चलेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगला यहाँ पर जो तीसरा है वो है भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहां पे इन्होंने जैसे भारतीय राजतंत्र दिया है, अब इसके लिए दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे राज व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो राज व्यवस्था में सबसे अच्छी किताब आपकी है कौन सी, राज व्यवस्था की सबसे अच्छी किताब आपकी एम लक्ष्मीकांत है। लेकिन अगर आपको आरओ पास करना है, कम समय में इसको पास करना है, तो एम लक्ष्मीकांत को कवर करने में आपको टाइम लग सकता है। पेपर के पैटर्न को आप उठाइए, देखिए कहां कहां से प्रश्न मिलते हैं, तो आपको पता चलेगा आर्टिकल से आपको प्रश्न मिल जाते हैं, आपको कुछ जो संस्थाएं हैं वहां से प्रश्न मिल जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिमंडल जो पूरा है वहां से प्रश्न मिल जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर विशेष जोर दीजिए। पुराने प्रश्नों को जब आप देखिए तो देखिए वहां से कहां से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वहां से इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं। तो हमारा जो प्लान होगा जो मैं ये आपको बता रहा हूं वो इसी पर आधारित होगा, फोकस्ड होगा कि हम वो चीजें आपको जरूर पढ़ाएं कि एम लक्ष्मीकांत हो सकता है आपकी पूरी ना तैयार हो, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक सबसे अच्छी है, हो सकता है ये पूरी आपकी ना तैयार हो, लेकिन इनमें से वो चीजें जरूर हम फोकस्ड कर लें, वो चीजें जरूर तैयार कर लें जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी पढ़ाई आप करिए, आपको अगर सेलेक्ट होना है और कम समय में सेलेक्ट होना है, हर हाल में सेलेक्ट होना है, तो
तो पढ़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। बहुत बार आप देखते हैं लोग पढ़ते रहते हैं, ज्ञान बहुत हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो उनकी एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है। उसका कारण यही होता है कि उन्होंने जो ट्रैक अपनाया है, जो पैटर्न उन्होंने अपनाया है, वो ट्रैक या वो पैटर्न उतना अच्छे से वो नहीं जान पाए हैं, उसका एनालिसिस उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने बस किताबें खरीदी हैं और पढ़ते वो चले गए हैं, तो ये यहाँ पर तरीका होगा। फिर देखिए यहाँ पर जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, अब कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैंने देखा है कि लोग बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रश्न 5-7 जो पूछे जाएंगे आपसे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न अगर आपसे 6 पूछे जाएंगे मान लीजिए, इससे ज़्यादा या 8 पूछे जा सकते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 8 प्रश्न में 4 प्रश्न आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और ये 4 प्रश्न करेंट अफेयर में हम हर हाल में करते ही हैं, जैसे ये बेस्ड होते हैं डेटाज पे, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उन पे बेस्ड होते हैं, जो भी RBI ने किया कुछ या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF के द्वारा कुछ जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया, तो उन पर बेस्ड होते हैं। और 3-4 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके ये कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। अब इनके लिए अगर आप बहुत मोटी बुक उठा के पढ़ते हैं कि हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, माइक्रो भी पढ़ लिया, मैक्रो भी पढ़ लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सारी समझ आप में विकसित हो गई, और जब प्रश्न आया तब आप नहीं कर पाए, तो ये भी स्थिति बहुत सही नहीं होती है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे एक जनसंख्या नगरीकरण और ये वाला टॉपिक है। अब जनसंख्या नगरीकरण के साथ 2-3 चीज़ें हैं। जब उधर के आप एग्ज़ाम देखेंगे 2010, 2013, 2014, 16, 17 ये सब एग्ज़ाम, खास करके 14 तक का, तो जनसंख्या नगरीकरण से प्रश्नों की संख्या 10 के आसपास रहती थी, इतने ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते थे। लेकिन ये सेंसस उस समय नया नया हुआ था 2011 का, तब ये प्रश्न खूब ज़्यादा पूछे जाते थे। बाद में क्या हुआ, अब सेंसस नया अभी 21 का तो हो नहीं पाया, और पूछ पूछ के प्रश्न लगभग प्रश्नों की संख्या भी समाप्त हो गई। आप जनसंख्या नगरीकरण पढ़ के जाइए, लेकिन इस उम्मीद के साथ मत जाइए कि हमको हर हाल में वहां पर 10 प्रश्न मिलेंगे ही। इस 10 प्रश्न की उम्मीद में मत आप जाइए कि हर हाल में 10 प्रश्न मिलेंगे। कई बार जब ये 10 नहीं मिलते, और आप आसान है उसको तैयार करना, 10 पेज भी नहीं, 5-7 पेज अगर पढ़ लिया तो आपका इंडिया का भी तैयार हो गया, और आपका ये UP का भी तैयार हो गया, और जो पूछा गया तो आपने कहा कि बढ़िया, हमने 10 सही कर दिए। आपने GS में जोड़ रखा है कि जो आपका 85 का स्कोर आप कर रहे हैं, इसका प्लस कर रहे हैं या 80 कर रहे हैं, उसमें 10 इसको जोड़ रखा है, आपके दिमाग में है। और जो चीज़ें दिमाग में होती है, एग्जामिनेशन कई बार आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में जो चीज़ें जैसे सेट होती हैं, उसी के मुताबिक परफॉर्मेंस भी होती है, तो इसको 10 मान के ना जाइए, 2-4 भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। जैसे और एक मिनट, इस सिलेबस को मैं थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, ये भी बड़ा मज़ेदार मतलब हिस्सा है सिलेबस का, इसको मैं हटा देता हूँ, या अच्छा ऐसा करता हूँ कि इसको ही मैं नीचे खींच लेता हूँ, जिससे कि आपका ये पेज मिटे ना। 1 मिनट। टेक्नोलॉजी के युग में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं कि हम जैसा चाहें चीज़ों को का उपयोग कर सकते हैं। अब इस सिलेबस का जो ये वाला हिस्सा है, इसको आप देखिए, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। जब इसको लोग पढ़ते हैं तो कई बार मैंने लोगों को सुना है इस वाले पोर्शन को करने के लिए वो एग्रीकल्चर की बुक तक पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर का सब कुछ याद कर लेंगे, है ना। पूछा क्या जाता है, क्रॉप वैरायटी, क्रॉप पैटर्न, न्यू कोई भी ये वैरायटी आई है सीड्स की, उसको पूछ लिया जाता है, और यूपी से रिलेटेड जो नहीं यूपी रिलेटेड आप कह सकते हैं, यूपी से रिलेटेड जो भी कुछ पैटर्न है, तो यूपी रिलेटेड भी आपसे एग्रीकल्चर के कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। अब उसको चाहे आप UP स्पेशल में रखें, चाहे इसमें रखें, लेकिन इसके लिए एग्रीकल्चर की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 पेज का ये पूरा मैटर, जिसमें ये हो जाएगा,
और करेंट अफेयर से अपडेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाणिज्य एवं व्यापार भी जुड़ा हुआ है, और वाणिज्य व्यापार जो ये जुड़ा हुआ है, वाणिज्य व्यापार वाला जो पोर्शन है ये पूरा करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक तो जो इंडिया से अन्य कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, व्यापार है, ट्रेड है, तो ये ट्रेड पूछ लिया जाता है। दूसरा जो रिमिटेंस भेजा जाता है वो यहीं पूछ लिया जाता है। जो इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होता है, वो यहीं पर पूछ लिया जाता है। तो इसमें बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपडेट रहने की जरूरत है, और ये पूर्णतया करंट अफेयर बेस्ड होता है। किसमें बेस्ड होता है, करंट अफेयर बेस्ड होता है। अब इसके लिए मोटी बुक कोई पढ़े या मोटी बुक ना पढ़े, 100-150 पेज पढ़े तब भी किसी काम का नहीं है। कुछ पुराने आपके जो आंकड़े हैं, आंकड़े नहीं कहेंगे, तथ्य हैं, उनको तो आप तैयार रखिए। जैसे मान लीजिए कि अरहर की किस्में हैं, है ना, धान की किस्में हैं, जैसे गेहूं की किस्में हैं, या अन्य कोई फसल, उसमें सब्जी भी हो सकता है ना, बैंगन भी हो सकता है, आलू भी हो सकता है सब्जियों में, उसमें अमरूद भी, फल भी हो सकता है। तो ये सब कुछ पुराना, और बाकी कुछ न्यू जो डेवलपमेंट होगा, है ना, ICAR ने कुछ किया, या फिर कोई भी संस्था कर रही है, या कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, DRDO कुछ डेवलपमेंट कर रही है, IIT कर रही है, तो उसको आपको रिलेट कर देना, 5-7 फुटकर प्रश्न आपको मिलेंगे। अब एक पोर्शन जैसे विश्व का भूगोल वाला ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें भी 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, यानी कि इसको एक लाइन में अगर कहें, एक शब्द में कहें, तो इसको हम कह सकते हैं कि भूगोल। अब भूगोल कहने में 2-3 चीजें हैं। भूगोल का जब हम कभी भी अध्ययन शुरू करते हैं, भूगोल, तो भूगोल में कई बार लोग गलती करते हैं कि वो पहले भारत का भूगोल पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं भारत के भूगोल से ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो भारत के भूगोल को हम पहले पढ़ लें। और आपके सिलेबस में विश्व का भूगोल भी दिया है, तो लोग कहते हैं कि जो कुछ कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम छोड़ देंगे। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता था कि ये जो पूरा सिलेबस है, यहां पर कहां से कितना क्वेश्चन आएगा ये कभी निश्चित नहीं रहा है। कभी भूगोल से आपको 40 प्रश्न भी मिल जाएंगे, कभी भूगोल से आपको 18 प्रश्न भी मिल जाएंगे, कभी 22 प्रश्न भी मिल जाएंगे, कभी 25 भी मिलेंगे। तो आप किसी भी एक पोर्शन पे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, उस पर भी एग्जाम देने मत जाइए कि एक पोर्शन पे आपने पूरा कर लिया कि 40 लास्ट ईयर आया था तो इस बार हम 40 तो भूगोल में आएगा, वहां से 30-32 कर देंगे और बाकी हम इधर उधर से इतिहास से 20 करेंगे, ऐसे करके, ऐसा भी मत सोच के जाइएगा। कभी भी जब पढ़िए तो इसके पढ़ने का जो तरीका होता है वो, सबसे पहले आप विश्व का भूगोल पढ़िए, और इसमें जो कॉन्सेप्ट आप सीखिए उन कॉन्सेप्ट के आधार पर आप भारत के भूगोल को समझिए, और साथ में आप करिए मैपिंग। मैपिंग के नाम पर केवल मैपिंग मत करिए कि मैपिंग बस कर रहे हैं, पूछा जाना है नहीं जाना है उसको आप करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैपिंग में कई चीजें होती हैं। मैपिंग का एक तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो तो ठीक है। दूसरा, जो भी न्यूज में चीजें होती हैं उनको मैप पर आप देखिए। दूसरी चीज है, जितनी भी जैसे न्यूज में, अब न्यूज में कई कैटेगरी की न्यूज है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मान लो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाहे कोई खनिज संसाधन कहीं पे मिला है, चाहे कहीं ऑयल स्पिल्ड हो गया है, या कहीं कोई विवाद हो गया है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कुछ नया हो रहा है, नया प्लांट लग रहा है, चाहे वो भारत के स्तर पर हो, चाहे विश्व के स्तर पर, इसकी मैपिंग करिए, और मैप की समझ भी आपको होनी चाहिए। जैसे अब इसमें कुछ निश्चित है कि विश्व के भूगोल में आपसे धाराओं पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, अब इसको मैप पर तैयार करिए। आपसे पवन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, पवनों पर, इसको मैप पर तैयार करिए, है ना। आपसे पर्वतों के बारे में पूछा जाता है, आपसे नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो इन सब चीजों को और आप मैप के सहारे तैयार करेंगे तो दिमाग में ज्यादा सही से बैठेंगे। और यहाँ पर भी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हम पढ़ेंगे सब, लेकिन फोकस उस पर करेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और इन सारे प्रक्रम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लगातार जो पढ़े उसकी प्रैक्टिस भी करते रहे, चेक करते रहे कि तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर करंट अफेयर आपका ये आता है। करंट अफेयर की जब हम बात करते हैं तो कई बार इसमें भी हम बहुत बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, और वो कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। करंट अफेयर है बड़ी सीधी चीज,
जो भी घटनाएं रोज हो रही हैं उनको आप पढ़ ले रहे हैं और आपका करंट अफेयर आप तैयार मान ले रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर में एक चीज मैंने जो देखा है, इसमें यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, ठीक है, ऐसे आप और लिखते चले जाइए, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके करंट अफेयर के दायरे अलग अलग हैं, सबके करंट अफेयर का लेवल अलग अलग है, सबके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है और सबका अलग अलग फील्ड है। जो यहां पर पेपर आपका होता है ये वास्तव में जीके नहीं होता है, ये होता है जनरल स्टडी का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। और जनरल स्टडीज का पेपर होने के नाते, जनरल स्टडीज का क्योंकि ये पेपर है तो इसके जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका लेवल भी थोड़ा सा जनरल स्टडीज की तरह होता है। यूपीएससी का करंट अफेयर कभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो करंट की एक घटना और इसमें ऐड कर देगा वो कुछ ट्रेडिशनल, ठीक है। पीएससी का करंट अफेयर आप देखेंगे तो ऐसा आपको सारे प्रश्न में नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कुछ पैटर्न मिलेगा और इसका लेवल भी थोड़ा इससे डाउन रहेगा, इससे थोड़ा सा डाउन रहेगा, ठीक है। और ज्यादातर पूछा जाएगा घटनाएं आपसे करंट अफेयर की पूछी जाएंगी लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभी डेप्थ में जाके इसको पूछ लेंगे। एसएससी में प्योर जीके, यूपी ट्रिपल एससी में प्योर जीके, और बैंकिंग में आप जाएंगे तो यहां पर आपसे जो इकोनॉमिक घटनाक्रम है उस पर आधारित, रेलवे आप जाएंगे जीके के प्रश्न, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर, ये सारी चीजें। करंट अफेयर का आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि आप भीड़ की तरफ आप जाते हैं, साल भर का करंट अफेयर तैयार करते हैं, करंट अफेयर के 25 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपसे 10 भी नहीं बनते हैं। कारण उसका ये है कि आप जो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे वो उस एग्जाम के लिए था ही नहीं। पढ़ाने वाले टीचर की गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका टारगेट कुछ हो सकता है कि वो एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं कि ये तैयारी करा रहे हैं, लेकिन जनरलाइज क्लास अगर आप मान के उसको देख ले रहे हैं तो वो सही नहीं है। इस पर ध्यान रखिए, जहां पर जैसा पूछा जाता है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। तो हम लोग अपने इस प्रोग्राम में इसका भी बहुत समुचित ध्यान रखेंगे कि जो अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो करंट अफेयर दिया जाए वो पीसीएस आरओ और जो इसके एग्जाम्स हैं पीएससी के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, उस लेवल के हों। आगे बात करते हैं ये सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसको लेके बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और उसका कारण मैं आपको बताऊं कि मुझे सर मैथ नहीं आती। क्या नहीं आता? मैथ नहीं आती। इसका टॉपिक का नाम आप देखिए तो इस टॉपिक का नाम है सामान्य बौद्धिक क्षमता। कहीं पर भी आपसे मैथ या रीजनिंग जैसी कोई बात लिखकर नहीं की गई है कि मैथ्स पूछी जाएगी बड़ी कठिन होगी। सामान्य है, बौद्धिक क्षमता है, दो तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, एक तो आपसे रीजनिंग पूछी जाती है और दूसरी आपसे गणित पूछी जाती है, और ये गणित भी बड़ी सरल होती है, रीजनिंग भी बहुत कठिन नहीं होता। पहले ये 15-16 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पिछले कुछ पेपर्स में आप देखने पाएंगे 10-12 ही। तो बहुत सारे लोग इसके भरोसे भी जाते हैं कि हम क्योंकि इसमें तो जिसको आती है वो 15 के 15 सवाल कर लेते हैं तो उनके 15 तो बिल्कुल सॉलिड हो गए, जिन्हें नहीं आती वो घबराते हैं। इसमें भी आप सावधान रहिए कि हर बार 15 नहीं आ रहे हैं। और रीजनिंग और मैथ की मैं आपको एक सबसे खास बात बताऊं, आपने कितना भी कम आपको आता है तो और कितना भी ज़्यादा आता है तो कुछ जो जनरल सवाल हैं चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो रीजनिंग के, ये सबके सही हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का आपने दे दिया है तो ये सबके सही हो जाते हैं, देख लिया है कुछ सॉल्व कर लिया है तो। और जो बहुत कठिन होते हैं तो जिनको आती उन्हीं के सही होते हैं, आप 4 महीना पढ़ेंगे तब भी नहीं सही होंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान नहीं होना है, करना क्या है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा देख के और उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो वो डायरेक्ट एक आध आपको कभी मिल भी सकते हैं, नहीं डायरेक्ट मिलेंगे तो आपको इतनी मैथ आ जाएगी कि आप उसको कर लेंगे, हम लोग भी इसको कर लेंगे आसानी से।
हम अपने मकसद में कामयाब हो, यही इस बैच का उद्देश्य है। ठीक है, अगला एक सेक्शन है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं की विशिष्ट जानकारी। अभी तक का जितना हमने पोर्शन देखा है, अन्य कोई स्टेट में आप जाते अगर एग्जाम देने तो वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता वो यही वाला पोर्शन आपको मिलता, आपको लगता कि रीजनल पढ़ लो, लेकिन यूपी में इसका महत्व समाप्त हो जाता है। तो यूपी स्पेशल या यूपी रीजनल के नाम पर, चाहे इसको आप रीजनल कर दीजिए, यूपी स्पेशल या रीजनल के नाम पर यहाँ पर बहुत सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इन सवालों की संख्या 10 से 15 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा मान के चलिए कि ये 10 के आसपास रहेगी, कभी कभी 5-7 भी आपको मिलेगी, 10 के आसपास रहेगी। लेकिन यहाँ पर मान के चलिए कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके सरल होते हैं, अगर 10 पूछे गए हैं तो 7 आप सब कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको जो करंट से कुछ उलझाओ आंकड़े पूछ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो आपने नहीं देखा है, नहीं सुना है, देखने की बात नहीं है, मेनली बात सुनने की है, आपने नहीं सुना है तो उस पे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कर लेंगे। और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, जैसे पतली किताब आती है, हमारा जो हम नोट्स आपको देंगे वो पर्याप्त होगा, वाड़ी की किताब आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के साथ पढ़िए। जैसे बहुत अभी ट्रेंड चला है पॉइंट्स, पॉइंटर में पढ़ने का, एक पॉइंटर वाला ये ट्रेंड, जिनको पहले से सब कुछ तैयार है, तैयारी नहीं करनी है, जिनको पहले से कुछ आता है उनके लिए तो ये बड़ा बढ़िया है, वो रिवाइज कर लेंगे, लेकिन नए लोग थोड़ा इससे दूरी बनाए रखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट आप रखिए और फिर इसमें फैक्ट को ऐड करिए तो जो नॉलेज होगा वो बहुत काम का होगा। तो इसमें भी हर चैप्टर से सवाल नहीं आते, इसमें भी इतिहास इम्पॉर्टेंट है, भूगोल इम्पॉर्टेंट है, करंट इम्पॉर्टेंट है, यूपी का जितना खनिज संसाधन है वो इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का कला साहित्य, है ना, कला मतलब ये लोक कला और साहित्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप उसी लिहाज से पढ़िए, जैसे मान लीजिए कि 20 चैप्टर हैं तो उनमें से अगर 10 चैप्टर पढ़ने से काम चल जा रहा है तो काम चला लीजिए, तो इसको हम सारा कवर करेंगे। यहाँ पर जो टारगेट होगा, अब एक बार मैं थोड़ा सा एक जनरल आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये जो भी टारगेट है हमारा, यहाँ पर हमको रखना क्या चाहिए, जैसे किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको मैं आपको एक छोटी सी टेबल मैं आपको बना के बता दूं, जिससे कि आपके दिमाग में रहे, क्रम से ही चलते हैं अगर तो, या वैसे भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने ले लिया जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे हैं तो उसमें मान लीजिए कि हमने ले लिया इतिहास, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट इतिहास लिख लिया, दूसरा सब्जेक्ट हमने भूगोल लिख लिया, तीसरा सब्जेक्ट हमने विज्ञान लिख लिया, है ना, चौथा सब्जेक्ट हमने राज्य व्यवस्था लिख ली, ठीक है, एक सब्जेक्ट हमने यहाँ पे अर्थव्यवस्था लिख ली। हम कैसे करेंगे या आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, एक सब्जेक्ट हमने यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल लिख लिया, उत्तर प्रदेश विशेष हमने लिख लिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक लिख लिया कृषि, ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक लिख लिया फुटकर टॉपिक, जैसे जनसंख्या, नगरीकरण और ये सारी चीज़ें मिला के जितना भी आप कह सकते हैं, तो आप एक कर लीजिए यहाँ पे अन्य, और आपका एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बचा और वो है करेंट अफेयर, उसको हमने इधर कर दिया। इतिहास से आप उम्मीद करके जाइए कि 22 सवाल के से लेके 25 सवाल के बीच में आपसे पूछे जाएंगे, भूगोल से भी आप उम्मीद करिए कि 20 से लेके 22, 24 तक, 23 सवाल तक पूछे जाएंगे, विज्ञान से आप मान के चलिए कि 18 से 20 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी कभी आपको 15 भी मिलेंगे 18 के आसपास,
राज्य व्यवस्था की भी स्थिति यही रहेगी, 15 से 20 सवाल के बीच में, अर्थव्यवस्था से मान के चलिए 7 से 10 सवाल के बीच में, उत्तर प्रदेश विशेष से 10 से 15 सवाल के बीच में, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है इससे 5 से 6 सवाल, और अन्य जो मिसलेनियस कई जैसे जनसंख्या नगरीकरण है और बहुत सारी चीजें होती हैं जीके वाली, उनसे आप लगभग 20 सवाल मान लीजिए। इसका जब आप योग करेंगे तो 22 और 20 ये हो गया 42, 42 और 18 60, और ये 15 ये हो गया 75, 75 और 10 85 और 7 92, 92 और 5 ये हो गया आपका 92 और 5 97 और 20 117 आया, यानी कि 117 ये न्यूनतम आया। इधर का जब आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 140 के बराबर आपका लगभग आ जाएगा, 6 5 11, 11 और 3 14 और 5 ये 19, 9 एक आया, 2 3, 2 5, 2 7 और 2 9, 2 11, ठीक है, तो 11 इसको आप करेंगे तो ये लगभग मतलब इसमें कुछ अच्छा, हाँ अभी करेंट अफेयर का पोर्शन बचा हुआ है, 140 नहीं आएगा, 119 ही आ रहा है, ये इतना हो गया 119, ठीक है, करंट अफेयर बचा हुआ है ना, 140 क्यों आएगा, अभी करंट अफेयर बचा है, तो इसको आप 119 यानी 120 के बीच इसको लीजिए। अब ये बचा करंट अफेयर, इसको करने का कुछ महत्व है, इस कारण से हमने इसको किया है। करंट अफेयर से आप मान के चलिएगा कि आपको सवाल मिलेंगे लगभग 22 से 25 के बीच में, ठीक है, 22 से 25 के बीच में, कभी 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 26 27 भी हो सकते हैं, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 140 ये हो जाएगा मोटे तौर पर। अब बात आती है कि इसमें हम टारगेट क्या रखें, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में आप 100% नहीं कर सकते, और 100% किसी भी सब्जेक्ट में करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर टारगेट ये रखेंगे कि जैसे सबसे पहले तो हम अपना कोर पोर्शन ढूंढेंगे, मान लीजिए किसी का भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल सही है, दूसरा एक वर्ग हो सकता है उसका इतिहास, भूगोल दोनों सही है, राज्य व्यवस्था सही है, विज्ञान उसका कमजोर है और वो यूपी स्पेशल कर ले रहा है, किसी का हो सकता है, अगले कलर से हम देख ले रहे हैं, किसी का हो सकता है कि विज्ञान सही है, हो सकता है उसकी अर्थव्यवस्था सही है, हो सकता है उसका इतिहास सही है, भूगोल कमजोर है, यूपी विशेष कर लिया। चार कम से कम सेगमेंट ऐसे हमको छांटने होंगे इसमें जो हमारा अच्छा है, जिसमें हम 70 से 80, अच्छा का मतलब है 70 से 80% परफॉर्म, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ टारगेट अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो इतिहास में अगर 22 पूछे जा रहे हैं तो आपका कम से कम 16 सही होना चाहिए, 25 पूछे जा रहे हैं तो 17 18, यानी कि 15+ यहाँ हर हाल में 16 के आसपास आप लेके चलिए। भूगोल में अगर ऐसे पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 15 का टारगेट लेके चलिए, निगेटिव मार्किंग करने के बाद यहाँ पर भी आप 13 का टारगेट लेके चलिए, राज्य व्यवस्था में भी आप 12 13 का टारगेट लेके चलिए, अर्थव्यवस्था में भी आप 5 का टारगेट, क्योंकि करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड रहेगा, 7 से 10 क्वेश्चन में 5, उत्तर प्रदेश विशेष जो है अगर इसमें 15 पूछ लिया गया तो 8 का टारगेट कम हो जाएगा इसका, आप ये इसको लेके चलिए लगभग 12 का टारगेट। कृषि में आप 5 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 3 सही कर दीजिए, अन्य में जीके टाइप के होंगे तो 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन यहाँ सही करिए, और करेंट अफेयर जो है आपका इसको हर हाल में 25 22 अगर पूछा जा रहा है तो 20 आप इसको टच करिए, तो 16 15 31, 31 और 13 ये 44, और 12 ये हो गया 56, और 56 और 5 61, 61 और 12 ये हो गया 73, 73 और 2 75 और 13, 75 और 13 कितना हो गया 88 हो गया, और 20 ये आपका आ गया 108। लेकिन ये 108 आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर से काउंट कर ले रहे हैं, 31 और 13 ये हो गया 44, और 12 तो 44 और 2 46, और 10 56, और 5 61, 61 और ये 14 तो ये हो गया 65, और 10 75, 75 और 13 ये हो गया 88, और 20 108। लेकिन 108 नहीं आ पाएंगे सबके, क्योंकि कोर पोर्शन किसी का इतिहास है तो किसी का भूगोल है, इतिहास नहीं है, चार कोर पोर्शन रहेंगे, बाकी 3 आप नहीं कर पाएंगे, तो
तो कोई तीन इसमें से, लेकिन इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राज व्यवस्था, इसमें से कम कोर पोर्शन में दो कम से कम होने चाहिए, तीन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर तीन हो जाते हैं कोई भी, तब तो ज्यादा अच्छा है, और दो तो कम से कम होना ही चाहिए, अगर दो से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये टारगेट आप 85 प्लस का कर सकते हैं क्रॉस, इस तरीके से हमको इसको लेके चलना चाहिए। अब थोड़ी सी बात हम हिंदी पे भी करेंगे, क्योंकि इस सफलता में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, इतना बड़ा योगदान होने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर हिंदी नहीं होगी अच्छे से तैयार, तो आप सफलता का दावा नहीं कर सकते, सफलता का दावा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? उसका कारण है कि जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर आप नहीं कर सकते, कितना भी आप प्रयास करें जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर आप नहीं कर सकते। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। अब इस हिंदी के सिलेबस में दो तीन बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 6 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन, टोटल 60 मार्क्स, 10 क्वेश्चन और टोटल 60 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर बार 10 पूछे ही जाते हैं। जैसे जीएस में मैंने कहा कि वो वैरी करता है, कभी पूछा जाएगा कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी 18 पूछा जाएगा कभी 22 पूछा जाएगा, कभी 40 पहुंच जाएगा तो कभी 22 25 पे रह जाएगा। यहाँ पर हर बार पूछे जाते हैं, वेल डिफाइंड सिलेबस है, और इसी वेल डिफाइंड सिलेबस की वजह से यहाँ का जो टारगेट है वो 55 प्लस हो सकता है। विलोम वाक्यों वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इन सब में आप मान के चलिए कि हर 10 क्वेश्चन में, जैसे एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन सरल पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन कठिन पूछे जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन का 10th स्टैंडर्ड का कोई भी बच्चा जवाब दे देगा, और इन कठिन में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कठिन होते हैं, और 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, हर साल नहीं कभी कभी, हर एक पोर्शन में। तो इस तरीके से देखें तो 6 टॉपिक में 12 प्रश्न जो होते हैं, हर टॉपिक में 2, तो 6 टॉपिक में, 6 टॉपिक्स में अगर इसको देखा जाए तो 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। 60 में अगर ये 12 आप निकाल दें तो 48 वैसे ही हो गया, और 3-4 क्वेश्चन इसका और कटेगा तो आपका यही 12 क्वेश्चन स्कोर 44 ला देते हैं, क्योंकि ये 12 का ये -4 और हो जाएगा ना, 3 पे एक क्वेश्चन कटेगा। और इसी कारण से जो लोग हिंदी में ध्यान नहीं देते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इससे कैसे हम बचे? इन 5 प्रश्नों की तैयारी आपको नहीं करनी है, इन 5 प्रश्नों को आप आराम से कर लेंगे, लेकिन हर टॉपिक में जो ये 3 प्रश्न कठिन और ये 2 जो बहुत कठिन है, इन कठिन तक तो लोग तैयारी कर लेते हैं, ये बहुत कठिन ही बाहर करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक में हो गए तो 12 हो गए, और 12 ले जाएंगे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और 16 का नुकसान करेंगे तो आप 60 से 44 में पहुंच जाएंगे। और इसलिए यहां पर एक अच्छा आपको कंटेंट फॉलो करना है, आपको एक पैटर्न भी अच्छा फॉलो करना होगा जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी, जो अवधारणात्मक समझ है उसको भी आपको अच्छा करना होगा। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली और उसके बाद में आपने कर ली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपने कर लिया टेस्ट, तो टेस्ट से क्या हुआ, आपकी जो भी कमियां हैं वो दूर हो गई। और यही काम हम जीएस में भी करेंगे, ये साथ में मैं इसलिए बता रहा हूं, चाहे वो जीएस हो और चाहे आपका वो हिंदी हो, अगर इसमें आपने पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस नहीं की और प्रैक्टिस करने के साथ में आपने जो कमियां हैं आपकी वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले दूर नहीं की, तो ये कमियां आप वहां करेंगे। तो इसमें ये सारा कंटेंट, पैटर्न, कॉन्सेप्ट, ये जीएस में भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जीएस में इम्पोर्टेंट नहीं है, जीएस में भी इम्पोर्टेंट है, वहां पर भी हम इसको करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। और इन सभी को मिला के हमारा टारगेट होगा कि हर हाल में हमारा जो स्कोर है वो जीएस में 85 पहुंच जाए इसके प्लस में, और हिंदी में हमारा स्कोर ये 55 प्लस पहुंच जाए,
जिससे कि हमको सोचना ना पड़े कि हम मेंस देंगे या नहीं देंगे। इसी टारगेट के साथ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, डाउट सेशन और इन सभी चीज़ों के माध्यम से इस तरीके से तैयार करें कि एग्जामिनेशन का डर ही न दूर हो, आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे कर पाए। तो अब आपको कैसे इस बैच को आगे रन होगा, कैसे होगी, ये ग्रुप में जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ से एक आप आइडिया ले लीजिए कि ऐसे आपको पढ़ना है, अपने आप कर पाइए, तो आप अपने आप भी इसको फॉलो करना शुरू करिए। बाकी हम तो हैं। थैंक यू सो मच।